फिर से बाबा बुल्लेशाह आ गए हैं एक टूना एक टूना पहले समझते हैं फिर सार्थकता है तभी वो जीवन जिया ही गया तभी वो रियलाइज हुई है
बादल हवा से तूफा उठाऊंगी आधी ले आवांगी कि इतनी ऊर्जा लगती है ऊंचे कामों के लिए जब आप कुछ उल्टी पवन चलाते हो ऊंचा काम करने निकलते हो तो आपसे बेहद चैलेंजेस आते हैं आपको और आपसे बेहद एनर्जी वो डिमांड करता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि साधु संत अपने जीवन में कितना कितना काम कर जाते हैं और उनसे संभव हो जाता है क्यों क्योंकि क्लैरिटी उनको आगे ले जाती है और उसी छोटे तन की पावर को वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि सात समुद्र की गहराई इसके अंदर है सूरज जितनी ऊर्जा इसके अंदर है और जिसने इस बात में विश्वास कर लिया वो फिर ऊंचाइयों पे जाता ही जाता है गहराइयों को छूता ही छूता है Thank you.
बनके चमक के डराऊंगी और बादल जैसी गरजना होगी मेरी जब मैं सत्य की बात करूंगी। इश्क अंगूठी हरमल तारे की इश्क की अंगूठी में अंगीठी में जो नॉर्मल अंगीठी होती है उसमें तो कोयला वगैरह जलता है ईंधन के लिए। कहने की जो इश्क की अंगीठी है इसमें इसका जो ईंधन है वो कोई साधारण चीज नहीं होगी, वो चीज भी कोई बहुत दूर की अनोखी अजब जो बहुत ऊर्जावान होगी वो होगी। तो इश्क की अंगीठी में जो हरमल प्यारी प्यारी जड़ी बूटियां हैं और जो दूर से चमकते तारे हैं वो ईंधन का काम करेंगे, वो चमकेंगे तब मेरे इश्क की अंगीठी जलेगी। चांद से कफन बनावांगी, चांद की जो चांदनी है वैसा मेरा कफन होगा और कफन हमेशा मरने के लिए यहाँ पे बोला गया है। साधारणतया जब शरीर मरता है तो वो सफेद कफन पहनता है, लेकिन जब साधु संत मरते हैं उनका शरीर के मरने की घटना को उनको मरना नहीं कहा जा रहा है, द्विज के लिए कहा गया है, जिसके लिए इंग्लिश में टर्म है टॉइस बॉर्न, कि जिसमें आप अपनी पहले की आई पर्सनैलिटी जो आपको वर्ल्ड से मिलती है संसार से मिलती है वो पर्सनैलिटीज पीछे छूट जाती है और आप अपनी चेतना से अपने कॉन्शियसनेस से आप अपना नया जन्म खुद लेते हो। पहला जन्म तो रैंडमनेस में हुआ कि कहीं भी पैदा हो गए, जिस माहौल में पैदा हुए उस माहौल से संस्कार ले लिए, अपना नाम ले लिया, भाषाएं ले ली और उस तरीके से भिन्न भिन्न अलग अलग हो गए। लेकिन अगर वननेस को जान लिया, अद्वैत को जान लिया, लव को जान लिया और उस एक तत्व को जान लिया तब फिर पर्सनैलिटी ही अलग हो जाती है और उसमें पुरानी पर्सनैलिटीज पीछे छूट जाती है और नया नया सब जीवन में होने लगता है, नया भी आ जाती है। उसके लिए जो जतन करना पड़ता है वो बहुत ही ऊंचा और गहरा होता है। ला मकान दी पटरी ऊपर बहकर नाद बजाऊंगी। ला मकान मीन्स वो मकान जो अपने आप में मकान है ही नहीं। हम जिन घरों में होते हैं वो हमारे लिए बॉन्डेजेस का काम करता है क्योंकि हम पूरा समय पूरा जीवन ही उसी में बिता देते हैं और बहुत कुछ होता है लाइफ में जो चल रहा होता है पर उससे कनेक्टेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे मकान ही हमें बांध देते हैं और जो संतों के मकान होते हैं वो चूंकि उनसे अटैच नहीं होते, वो मकान में रहते जरूर होंगे, वॉल्स होती हैं, छत होती हैं, शेल्टर लेते होंगे, पर वो मकान साइकोलॉजिकली उनके लिए वो मकान होता नहीं। तो उसी को बोला है ला मकान, जैसे कि ला जवाब बोला जाता है कि वाह जिसका कोई जवाब नहीं तो ला जवाब, वैसे ही बोला गया है ला मकान कि ऐसा मकान जो मकान होके भी मकान नहीं है और इसकी छत की पटरी पे मैं बैठ के नाद बजाऊंगी, ऐसा म्यूजिक अनहद नाद वहां से बजाऊंगी। वो म्यूजिक नहीं जो वर्ल्डली म्यूजिक चलता है और सेंसेस को कैप्चर कर लेता है, घेर लेता है और सेंसेस को अपना स्लेव बना लेता है, बंदी बना लेता है। ऐसा म्यूजिक ऐसा नाद बजाऊंगी जिसमें लिबरेशन है, जिसमें फ्रीडम है। लाई सभा में शौगल अपने तद में नाद कहावांगी कि जब मैं उसकी दूरी को मिटा दूंगी और एक हो जाऊंगी और सत्य गॉड उनको शौहर बोल रहे हैं कि जब वो शौहर मिल जाएंगे तब मैं असली नार कमाऊंगी कहलाऊंगी। नार का मतलब है प्रकृति, कि प्रकृति से आई हुई इन चीजों को जब ये उसकी साधना में लग जाए, उसको रियलाइज करने में लग जाए तभी प्रकृति भी सार्थक होती है। तद में नार कहावांगी। Thank you.
जाती हैं वो भी, तो एक ऐसा नूर आ जाता है। तो चांद की चांदनी है कि मृत्यु तो पुरानी पर्सनालिटीज की और आइडेंटिफिकेशंस की हो जाती है, वो पीछे छूट जाता है, कुछ नया होने लग जाता है जीवन। और वो इतना बढ़िया, इतना ऊंचा, इतना शांत और आनंदित कर देने वाला होता है कि उसका अपना एक ऑरा, एक नूर होता है। और जिसको हम कहते हैं, जो जो आपने ऑरा बुद्ध के चेहरे में देखा होगा, महावीर के चेहरों में देखा होगा, ओशो, जय कृष्ण मूर्ति, नल्लेश्वरी, जितने भी जीसस क्राइस्ट संत हुए हैं, इनके चेहरे पे एक ऑरा होता है, एक नूर होता है। तो वो नूर को समझे, वही चांदनी का कमल है, चांद से कमल बनावर की। तो इट्स अ वेरी हेल्दी डेथ, इट्स अ वेरी शुभ डेथ। ऐसी डेथ को बार बार बोलते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, कि बार बार मरो और ऐसा मरो कि जियो। गावांगी मैं रुठा यार मनावांगी, तो इस टूने को आप गाते ही रहिए, इसको छोड़िए मत कभी। और जहाँ जहाँ जब बेचैनियाँ छाएं और घेर लें, तब बस ये आप भजिए, ये बार बार गाइए। अगर इन इन शब्दों के साथ आप बने रह गए, तो सारी बेचैनियाँ ऐसे जाती हैं। और चैन में आ जाना, जॉय में रहना, भटकना नहीं, यही मेन स्वभाव है हर जीव का, सभी का। और बेचैनियाँ ज़रूर छाएंगी, जितना जितना अभी ये मोमेंट बंद हो जाएगा, आप रास्तों पे जाएंगे, फिर वर्ल्ड में डील करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, फिर कल एक नया दिन शुरू हो जाएगा, फिर नए नए इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगे वर्ल्ड के साथ। और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा, बेचैनियाँ आएंगी ही आएंगी, दे आर इनएविटेबल। पर उन बेचैनियों के बीच में रह के, उनको देख के, बस इनको याद रखिए, एक टूना अचंबा गावांगी मैं रुठा यार मनावांगी, कि इस बेचैनी को मैं चैन ला के रहूँगी। इसीलिए गुरुओं का साथ होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा उनको साथ में, या तो यहाँ वाली पॉकेट में लेके चलिए, या जेब में लेके चलिए, किताब के माध्यम से लेके चलिए, जैसे भी चलिए, पर उनके साथ बने रहिए। वो बहुत प्यारे हैं, अनोखे हैं, अनूठे हैं, बहुत कुछ अमृत तुल्य दे देते हैं।